नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम चित्रों को देखकर एक कहानी बनाएंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं। मैं आपसे प्रत्येक चित्र से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगी और कुछ संकेत भी दूंगी। आपको दिए गए संकेतों में से उस चित्र से जुड़े सही संकेत को पहचानना है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? आपके सामने स्क्रीन पर ये चार चित्र दिए गए हैं। क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कहानी में मुख्य किरदार कौन है? अ खरगोश, ब हाथी, स लड़का। बिल्कुल सही, खरगोश। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या आप इन चित्रों में देखकर ये बता सकते हैं ये घटना कहाँ हुई थी? अ स्कूल में, ब छत पर, स खेत में। क्या बात है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये घटना खेत में हुई थी। अगला प्रश्न है, इन चित्रों में से सबसे पहले चित्र में क्या हो रहा है? अ खरगोश घूम रहा है, ब खरगोश सो रहा है, स खरगोश मिट्टी खोद रहा है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सबसे पहले चित्र में खरगोश मिट्टी खोद रहा है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहानी में बीच में क्या हुआ? अ खरगोश दुखी था, ब खरगोश सो गया, स खरगोश ने बहुत सारी गाजर खाई। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, खरगोश ने बहुत सारी गाजर खाई। दोस्तों, ये रहा आपका आखिरी सवाल। क्या आप बता सकते हैं कहानी के अंत में क्या हुआ? अ खरगोश घूमने गया, ब खरगोश गुम हो गया, स खरगोश बिस्तर पर लेट गया। क्या बात है दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, अंत में वह बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, है ना ये खेल मजेदार? अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दी गई कहानी को सही क्रम में लगाने की। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को भी पढ़कर आप कहानी के सही क्रम का पता लगा सकते हो। ऐसा करने के लिए आप चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य अपनी नोटबुक में क्रम से लिख सकते हैं। कहानी का सही क्रम पता करें और इसका उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने चित्रों और उनसे जुड़े वाक्यों को देखकर कहानी को क्रम में लगाकर समझना सीखा।